पब्लिक टीवी आपकी आवाज। चुनाव को लेकर सभी पार्टियों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में आज पब्लिक टीवी की टीम समाजवादी पार्टी के नेता सत्येंद्र शर्मा के निवास पर पहुंची और एक खास मुलाकात की मीडिया से मुखातिब होते हुए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि भाजपा की सारी योजना विफल नजर आ रही है। बात करते हैं विकास की, तो विकास सिर्फ नेताओं के गुंडों का हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा के पास सिर्फ एक ही एजेंडा है कि राम मंदिर के नाम पर ही राजनीति करेंगे, बाकी तो हम आपको दिखाते हैं उनकी ही जुबानी। बिल्कुल विकास नहीं हुआ, सिर्फ अच्छे दिन वाली बात जो मोदी जी ने कही थी, अच्छे दिन आएंगे, कोई अच्छा दिन नहीं आया। अगर आप इसे अच्छा दिन मानते हो कि 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का वायदा मोदी जी ने अपने मैनिफेस्टो में किया था, हर वर्ष 1 लाख लोगों को भी रोजगार नहीं मिला है प्रतिवर्ष के हिसाब से, और कंस्ट्रक्शन का काम आज की तारीख में ख़त्म हो गया है नोटबंदी के बाद। जितने बिल्डर हैं जो बिल्डिंग बना रहे थे, कितने लोगों को रोजगार मिलता है जिससे बिल्डिंग बनती है, वो सारा चौपट हो गया है। काफ़ी उद्योग धंधे चौपट हुए हैं, ऊपर से GST लगा के व्यापार को इतना इलझा दिया है कि अच्छे दिन की तो बात छोड़िए आप, व्यापारी GST में ही इलझ के रह गया है। जहाँ तक विकास की बात है, सारा सामने है, पब्लिक सारी जानती है। कितना भी झूठ बोल लो, कितना भी उल्टी सीधी बात कर लो, हमारे देश की जनता बहुत इंटेलिजेंट है, चाहे गांव में रह रही हो या शहर में रह रही हो। उन्होंने उपचुनाव में बिल्कुल अपना क्लियर कट मैंडेट दिया था, फूलपुर में, केरना में, गोरखपुर में, नूरपुर में, बिल्कुल इनके सारे कैंडिडेट हार गए थे। और अब 5 राज्यों के चुनाव हुए, जनता इतनी क्रोधित थी, जबकि 5 राज्यों में केंद्र ने पूरी ताकत झोंक दी थी, सारी इनकी जहाँ जहाँ सरकारें थी सारे वहाँ पड़े हुए थे मंत्री, उसके बावजूद और इतनी रैलियाँ आंदोलन मोदी जी ने करी, इतने झूठ मूठ वायदे वहाँ किए, लेकिन जनता ने बिल्कुल नकार दिया और इन्हें पसंद नहीं किया। आज सरकार इनकी नहीं है, गैर भाजपाई सरकार वहाँ पर बनी हुई है। तो पब्लिक विकास चाहती है, पब्लिक काम चाहती है। हमारे माननीय अखिलेश यादव जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, जिस समय समाजवादी पार्टी की उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट थी, लाखों साइकिलें बांटी मजदूरों को, उन लोगों को बांटी जिनके पास बेचारों के कोई संसाधन नहीं थे, लैपटॉप बांटे बच्चों को जिससे उनका उत्साह बढ़े, गरीब बच्चे को, जो गरीब बच्चा सोच नहीं सकता लैपटॉप छूने की भी, उन्हें फ्री में लैपटॉप दिए सरकार ने, इसलिए कि ताकि हमारा युवा आगे बढ़े। बच्चियों को लैपटॉप दिए, कन्या विद्याधन दिया, इतनी सुविधाएं दी, इतना विकास कराया, इतनी रोड्स बनाई, इन्होंने कौन सी रोड बनाई? ठीक है, बात करें महिला सुरक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी द्वारा कई कड़े कदम भी किए गए हैं, लेकिन उसके बाद भी अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। अपराध इसलिए बढ़ते चले जा रहे हैं, कोई अंकुश नहीं है। आए दिन हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार का इजाफा 2014 के बाद ज़्यादा हो गया है, क्योंकि सब अपना खाने पीने में लगे हुए हैं। 100 डायल अखिलेश जी ने शुरू की थी, समाजवादी पार्टी की टाइम पे शुरू की थी, माननीय नेताजी ने शुरू करी थी, उसका उस समय सदुपयोग हुआ, बिल्कुल क्राइम मुक्त हो गया था प्रदेश। आज की तारीख में वो सिर्फ इस बात के अड्डे हो गए हैं कि जहाँ तहाँ पकड़ के लोगों को, भाई के गाड़िए पकड़ के और उनसे पैसे वसूल करो और छोड़ दो, क्राइम पर कोई कंट्रोल नहीं है। खुलेआम पब्लिक में ऐसा माहौल पैदा हो गया है, सिर्फ हिंदू मुस्लिम को लड़ाना, दुनिया भर के काम करना, और कोई काम ही नहीं रह गया भारतीय जनता पार्टी का इस समय। ठीक है, बात करें भारतीय जनता पार्टी द्वारा 181 एक सेवा चालू की गई है महिला सुरक्षा को लेकर, तो उस विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखो, योजनाएं तो बहुत सारी शुरू कर देते हैं, मैं आपको बता दूँ, इनका काम है कि पेपर पर योजना बनाओ, सुबह से शाम तक बोलते रहो, करो कुछ मत, दिखा दो कि हाँ बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में नहीं होता ग्राउंड लेवल पे। महिलाओं के लिए कोई ऐसा काम नहीं हो रहा, जहाँ तहाँ महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, उन्हें कोई सुविधा नहीं हो रही। इन्होंने तो कन्या विद्याधन बंद कर दिया, सबसे बड़ी बात, इन्होंने कई सारी ऐसी स्कीम जो अखिलेश जी ने बहुत शानदार स्कीम प्रदेश में लागू करी थी, बिल्कुल बंद कर दिए। बंद तो करनी नहीं चाहिए थी इन्हें, ये तो पब्लिक हित का काम था, तो महिलाओं के लिए ऐसे सच कोई काम नहीं हो रहा, सारा जमीन पर काम है, कोई काम ऐसा नहीं हो रहा। सारी महिलाएं बेचारी जरा जरा से कामों के लिए इधर उधर घूम रही हैं, आंगनबाड़ी की महिलाएं अलग परेशान है, वो पिछले कई महीनों से उन्होंने धरने प्रदर्शन करे लखनऊ में, तो मैं समझता हूँ महिलाओं के लिए कोई खास काम नहीं हो रहा। ठीक है, बात करें अभी सामूहिक योजना चलाई गई थी, उसमें भी कई घोटाले साबित हुए थे, तो क्या कहेंगे उस विषय में?
देखिए ऐसा है, इनके मोदी जी कहते हैं, मोदी जी का तो मैं समझ सकता हूँ, लेकिन कुल मिलाया के सारे मंत्री क्या कर रहे हैं, बजट आते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, पेपर पे बनते हैं, नीचे तक पहुँचते ही नहीं। जितनी योजनाएं तो सरकार की बहुत आती हैं, असली चीज़ है उसको असली जामा पहनाना, वो इनके बस की बात नहीं है। सिर्फ बोलने में माहिर है, मंच पर खड़ा कर दो तो पूरे दिन भारतीय जनता पार्टी के नेता बोलते रहेंगे, काम करना जानते ही नहीं। सिर्फ बुलवा लो अच्छे दिन आएंगे, स्वच्छ भारत अभियान, वास्तव में स्वच्छ भारत अभियान भी चला रहे हैं, कहाँ कितना हो रहा है आप देख रहे हो, शहर में हमारे जहाँ तहाँ कूड़े के ढेर पड़े हैं, जहाँ तहाँ स्लम आज भी पूरे हिंदुस्तान में मौजूद हैं, तो वर्किंग नहीं हो रही। कहने को तो स्वच्छ भारत पहले शाइनिंग इंडिया भी करा था इन्होंने, एक बार जब अटल जी की सरकार आई थी और वो प्रमोद महाजन जी थे मुझे ध्यान है, तो शाइनिंग इंडिया पूरे हिंदुस्तान को शाइन कर दिया, पता नहीं शाइन कहाँ थी, ये नहीं दिख रही थी हमें तो दिखी। ठीक है, आप मुरादाबाद में रहते हैं, अपने महानगर में रामगंगा नाम से एक गंगा है जी, उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? वो उसकी हालत अब भी देखते हैं तो 10 से 72 है, वैसे तो नमामि गंगे योजना चल रही है उसके बाद भी। गंगा जी की योजना तो इन्होंने बहुत बड़ी करी, हमारी रामगंगा का तो ये हाल है कि वहाँ ना पानी है और गंदगी इस कदर है, स्वच्छता अभियान के नाम पे पैसे बहुत आ रहे हैं, पता नहीं वो कहाँ जा रहे हैं। तट भी बनना रामगंगा नदी का, हमारे सारे शहर वाले बेचारे जरा सी बारिश पड़ती तो डरते हैं कहीं पानी ना आ जाए उनके घरों में, जैसे एक बार पहले पानी आया था, तटबंध की योजना बनी वो भी बिल्कुल धरी रह गई। उसके अलावा गंगा जी को, राम गंगा को साफ करने का अभियान के बहुत सारी योजना आई, आज सामने है वहाँ इतनी गंदगी का ढेर पड़ा कि वहाँ तो डुबकी भी नहीं लगा सकते, इतनी गंदगी है इस समय, गंदगी फैली पड़ी हमारी राम गंगा में, जो कि इतनी शानदार कभी नदी हुआ करती थी कि काली मंदिर पर हमारे शहर की सुंदरता का प्रतीक था वो। ठीक है, बात करें समाजवादी पार्टी की, 2019 के चुनाव भी नज़दीक ही आ गया है, तो क्या रणनीति तैयार की है? नहीं, हमारी पार्टी तो देखिए ऐसा है, हमारा पार्टी का हर कार्यकर्ता बूथ स्तर पे काम कर रहा है, पब्लिक से मिल रहा है, और पब्लिक जानती है कि समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता जहाँ भी है पूरे काम को असली जामा पहनाने की हमारी कोशिश रहती है। पब्लिक का जो मजदूर का गरीब का कहीं भी उत्पीड़न होता तो हमारी पार्टी खुलेआम आगे आ जाती है और वहाँ काम करती है, करके दिखाती है और पब्लिक के साथ है, पब्लिक देख रही सब जो हो रहा। ठीक है, देश के आवाम से क्या अपील करना चाहेंगे? देश के आवाम से मैं तो ये अपील करना चाहूँगा कि उस पार्टी को वोट दे जो कहे वो करे। इन्होंने जो भी अपने मैनिफेस्टो में जो भी कुछ कहा है अभी तक नहीं कहा, 15 लाख का वायदा किया फेल, युवाओं को रोजगार देंगे 2 करोड़ फेल, नोटबंदी कर दी पूरा बिजनेस ख़त्म हो गया, चाहे वो कंस्ट्रक्शन का बिजनेस हो चाहे फैक्ट्री हो, जितनी सब जहाँ की तहाँ हैं, GST से सारे व्यापारियों को उलझा दिया, किसान आत्महत्या करके मर रहे हैं रोज, कोई सुविधा किसानों के लिए नहीं है, आज भी किसान बेचारा नंगे पैरों अपने चप्पल उसके पैर में नहीं, पेट में रोटी नहीं, परेशान घूम रहा, तो कोई उसकी हालत में सुधार नहीं है। पूरा देश इस समय मैं समझता हूँ सारे कोरे वायदे इनके थे, देश ये समझ चुका है और अब हमारे देश की जनता इंटेलिजेंट है। मेरी तो अपील ये रहेगी, उन्हें जेन्युइन है, उन्होंने फैसला कर दिया, मैंडेट तो दे दिया 5 राज्य के चुनाव में, अब लोकसभा है उसमें अपना अच्छी सरकार चुने, अच्छे कैंडिडेट चुने, जो उनके लिए काम कर रहे हैं उन पार्टीज को चुने। ऐसा नहीं है कि क्षेत्रीय दल ही राष्ट्रीय दल बनता है, अगर हमारी पार्टी यूपी में काम कर रही है, जो यूपी में अच्छा किया तो मौका देंगे तो ऊपर भी अच्छा काम करेंगे, अखिलेश जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो देश की सूरत कुछ और ही होगी।